मैंने कहीं पे पढ़ा था कि whatever happened in your life and whatever has happened in your life and whatever will happen in your life, it's all because of you, it's always on you. हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ आगे हमारी ज़िंदगी में होगा, उसका सिर्फ एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ही बंदा अकाउंटेबल होता है, और वो होते हैं आप खुद. और यकीन करें, ये बात इतनी सच है कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी हर चीज़ के बारे में हमारा एक परसेप्शन है, हर चीज़ के बारे में हमारा एक नज़रिया है. और ये बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं कि जब आपको, आप किसी भी चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, आपको ये फिगर आउट कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि whatever यू आर डीलिंग विद, आपकी उसके बारे में एक परसेप्शन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो. और हमारी परसेप्शन हर चीज़ के बारे में है. प्रॉब्लम यह है कि गलत परसेप्शन हैं, लेकिन वो भी हमारी अपनी गलती है. अब अगर मैं एक एनिमल का नाम लूँ और एक चीज़ और बता दूँ कि परसेप्शंस की बेस पे हम चीज़ों से या लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आपकी जिस बंदे के बारे में जो परसेप्शन होगी, आप उससे वैसे ही, जैसा बंदा है वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे आप उससे. अब अगर मैं एक एनिमल का नाम लूँ, लेट्स से अ नेम लाइन, अगर मैं शेर का नाम लूँ, तो आपके जहन में फ़ौरन क्या आएगा कि ही इज़ डेंजरस और ही इज़ मोस्ट लाइकली टू अटैक. वो ख़तरनाक है और वो अटैक कर सकता है. इसी तरह क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो भी अटैक करता है, ख़तरनाक है. और ये जो जानवर होते हैं, उनके बारे में हमारी ये परसेप्शन है, और हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमने इनके साथ नहीं खेलना, इनके पास नहीं जाना. और यहाँ तक कि हमें डोमेस्टिकेटेड डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स के बारे में भी हमें बड़ी क्लियर हमारी परसेप्शन होती है. और मेरे ख्याल में गली का जो कुत्ता होता है, उसके साथ आप कभी भी प्लेफुल बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते, आप उम्मीद नहीं लगाते उससे कि इससे खेला जा सकता है, इसके पास जाया जा सकता है, या इसके साथ थोड़ी छेड़खानी की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि वो काटेगा, आपको पता है, परसेप्शन है, आप उसकी नेचर को समझते हैं. इसी तरह डोमेस्टिकेटेड डॉग्स का हमें पता है, घर में अगर आपने पाला हुआ है या किसी और के घर में है, तो हम लोग कभी खेलते भी हैं उसको, हाथ भी फेरते हैं उसके ऊपर. लेकिन आप कभी भी गली कुत्ते से उस तरह से फेमिलियर होकर नहीं मिलेंगे जैसे आप डोमेस्टिकेटेड डॉग से मिलते हैं. नाउ वी आर वेरी क्लियर कि जी हमारी इन चीज़ों के बारे में ये परसेप्शन है, एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली देन. ठीक है, हम फिर एक्सपेक्ट किस तरह से करते हैं. व्हाट अबाउट द ह्यूमंस? अब लोग जो हैं, हमें पता है कि लोग मिसट्रस्टेड हैं, लोग अनट्रस्टवर्दी हैं, लोग रिलायबल नहीं हैं, धोखा देते हैं, हमें डॉज करते हैं, फाउल खेलते हैं, ब्लफ करते हैं हमारे साथ, और हमारी बात इधर की उधर करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं. ये भी हमें पता है कौन हम नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है. हमें ये भी पता है कि कौन हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल है, कौन हमारा अच्छा दोस्त है, कौन हमारा अच्छा दोस्त नहीं है. लेकिन फिर भी हम लोग उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं. वी कीप शेयरिंग आवर सीक्रेट्स, जो कि हमें पता है ये बात इधर की उधर करेगा, उसी को हम सीक्रेट भी बताते हैं. एक ही बंदे से हम 10-10 दफ़ा धोखा खाते हैं, और हमें लोग जो है वो चीट करते हैं. हमें पता है किसका फेयर चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू रखते हैं उसी के साथ रहना, उसी के पे ट्रस्ट करना. अब इसमें उन लोगों की गलती हुई या हमारी गलती हुई? डेफिनेटली हमारी गलती हुई. अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें हम क्यों करते हैं? हमें पता है कि पीपल आर वियर्ड, और उनके साथ कौन रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है और कौन रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता है, किसको अच्छे से डील करना चाहिए, किसको अच्छे से डील नहीं करना चाहिए. हम लोग क्यों ऐसा नहीं करते? हम लोग क्यों उनसे बच के नहीं रहते? हम लोग क्यों उनके साथ लगे रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं? इसीलिए कि या तो हमें करेज नहीं होती कि हम उनको एक्सपोज करें, हमें करेज नहीं होती कि हम अकेला ज़िंदगी में चल सकें, हमें सहारों की आदत पड़ गई है, हमें आदत पड़ गई है हम गिरें तो हमें पकड़ के कोई उठाए, हमें आदत पड़ गई है किसी दूसरे के कंधे पर सर रख के रोने की, हमारे आंसू को साफ़ करे, हमें ये भी आदत पड़ गई है, हमें रोने धोने की आदत पड़ गई है. और हम लोग इतनी, हमें जरूरत नहीं होती कि हम अकेला सफ़र कर सकें, अपनी जो जर्नी है वो हम अकेले कंटिन्यू कर सकें. उसकी, अब ऐसा क्यों है? उसकी एक रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हम लोग अपने फेलियर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करना ही नहीं चाहते.
अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम किसके ऊपर डालेंगे कि जी इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी हम रोना धोना अपना किसके ऊपर डालेंगे, फिर तो हम ही रह जाएंगे ना। एट द एंड ऑफ द डे लोग कहेंगे हमें कि जी ये तो आपकी वजह से हुआ है, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप अकाउंटेबल हैं, आप ज़िंदगी में नाकाम हैं, द रीज़न इज़ यू। तो फिर हम लोगों को कैसे कहेंगे कि ये इसकी वजह से हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तुम भी इसमें शामिल हो। ये सिर्फ हमने बहाने ढूंढे हुए हैं कि कल को हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो हमें इतनी ज़ुर्रत नहीं है, हमें इतने गट्स नहीं हैं कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी खुद ले सकें। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनमें ये करेज होती है, जो आगे आते हैं, स्टेप अप करते हैं और कहते हैं कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, मुझे कहो जो कहना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई वॉज़ देयर, ये वहाँ पर नहीं था उस वक्त, या आई वॉज़ इन चार्ज, अगर मैं वहाँ पर था भी नहीं लेकिन मैं इंचार्ज था उस वक्त, मैं सुपरवाइज़र था उस वक्त। कौन करता है ऐसा? बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, अनलेस आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, द डे यू एक्सेप्टेड, द डे यू एक्नॉलेज दिस, तब तक आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे ही बहाने, ऐसे ही ब्लेम करते करते लोगों को आप इस दुनिया से चले जाएंगे, एंड पीपल विल नॉट इवन केयर, दे डोंट इवन केयर्ड। आप पीछे देखें, लोगों ने कभी भी केयर नहीं किया, ना वो आगे करेंगे और वो ना आपको याद रखेंगे। तो कोशिश किया करें कि ये सहारे और ये जो झूठे सहारे हैं इनसे छुटकारा पाएं ज़िंदगी में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की खुद ऑन करें, आगे बढ़ें, अकेला चलना सीखें, अकेला उठना सीखें, और इन सहारों, इन कंधों के बगैर, इन सायों, ये जो साए हैं इनके बगैर ज़िंदगी में चलना सीखें, तब आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ हमें सारा पता होता है और ये सारी हमारी गलती होती है, और ये गलती हम सारी ज़िंदगी नहीं मानते। आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। थैंक यू सो वेरी मच।